ये हम लोग आए हैं अल हुदैरत बीच पे, वो वहाँ पे लिखा हुआ है हुदैरत हुदारियत। यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। कैफे यहाँ के बहुत महंगे हैं, पीपल आर क्लेमिंग बीच की तरफ आ गए हैं। और ये है उमायरा मम्मा। हाय मम्मा, हाय। तो थोड़ा नीचे चलते हुए देखते हैं सामने क्या है। यहाँ पे सब पिकनिक कर रहे हैं बैठ के फैमिली को लेकर। यूएई में सब बहुत पिकनिक करते हैं फैमिली के साथ, हर वीकेंड पे चाहे कितनी भी गर्मी हो कहीं ना कहीं लोग दिख ही जाएंगे पिकनिक करते हुए। और दिसंबर तक मतलब अक्टूबर के बाद से ही चारों ओर आपको वीकेंड में सिर्फ पिकनिक ही पिकनिक दिखेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं अभी अबू धाबी में अल हुदारियत बीच एक जगह है वहाँ पे घूमने आई हूँ अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ। और अबू धाबी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऑलमोस्ट 40-42 टेम्परेचर चल रहा है, इसके अंदर ही हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग नहीं है। और हर कंट्री का एक स्पेशलिटी होता है, उसका अलग अलग वेदर होता है। तो यहाँ पे वही है, सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलो वो गर्मी के मंथ भी हम लोग मिस नहीं करते, इन्जॉय करना। आपको अल हुदारियत बीच घुमाते हैं आज। मैं कोशिश करूँगी थोड़ा रेगुलर होने के लिए, वीडियो डालने के लिए। वॉशरूम एरिया है, इस साइड पे मेंस वॉशरूम और उस साइड पे लेडीज वॉशरूम है।
यूएई में सब कहीं भी वॉशरूम्स जो होते हैं ना, वो एकदम इंडिया के 5-स्टार होटल जैसा होता है, बहुत क्लीन, बहुत ही अच्छा। अमायरा, लेट्स सी अमायरा क्या बोलती है। अमायरा, आर यू एंजॉयिंग एंजॉयिंग मामा? से हाय मामा, से हाय। यहाँ पे ये बच्चों का स्विमिंग पूल भी है। ये भैया अभी वीडियो बनाने में लगे पड़े हैं। और वो देखिए वहाँ पे अभी तक बच्चे इतना मस्ती कर रहा है, सब सब गिले हो गए, सब के सब। ये वाटर स्पोर्ट्स एरिया जो है बच्चों का फेवरेट है। पता नहीं एमी कब बड़ी होगी और यहाँ पे आएगी। वो देखो कितना फुद्दू सा बेबी है वो। अभी 8 बजने वाले हैं रात के, तो इतने बच्चे नहीं है अभी, वरना बहुत सारे बच्चे रहते हैं। बहुत बड़ा एरिया है। उस साइड से भी बहुत फैला हुआ है। ये यहाँ पे है ड्रिवन कैफ़े। ये बहुत अच्छा कैफ़े है, हम लोग बहुत बार आए हैं यहाँ पे। हाय, यहाँ पे मायरा कुछ बोल रही है। बोलो किचू, बोल छो। अच्छा मामा, यू लाइक दिस प्लेस? हुदारिया जो है अबू धाबी का सेकेंड मैन मेड बीच है। फर्स्ट मैन मेड बीच जो है वो अलरीम आइलैंड है, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिस भी है और बहुत एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स है। ये वाला अल हुदारिया ये सेकेंड मैन मेड बीच है, सेकेंड मैन मेड आइलैंड है। और अल शादियात बोल के एक जगह है, वो जो है वो थर्ड मैन मेड आइलैंड है। यूएई के गवर्नमेंट कुछ भी कर सकते हैं, दे आर वेरी कैपेबल। देखो एक आइलैंड बना के कितना सुंदर बना दिया उसको। रेसिडेंट यहाँ पे वीकेंड में आते हैं, मस्ती करते हैं। इतने गर्मी है अभी, मतलब क्या बताऊँ, मेरा हाल बेहाल हो रहा है गर्मी में, लेकिन सब इंजॉय कर रहे हैं। अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं, कोई पिकनिक कर रहा है, बच्चे नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, कैफेज अच्छी तरह से चलता है यहाँ पे। ये देखो ये जो है ना ब्लू एंड पिंक, ये बेबी चेंजिंग रूम है। शायद बेबीज मदर के साथ आएंगे तो यहाँ पे चेंज करेंगे, और फादर के साथ आएंगे तो यहाँ पे चेंज करेंगे। वीकेंड पे सब खेलने में बिजी रहते हैं।
आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और हम लोग अभी वहाँ से रवाना हो गए हैं, अराउंड 30-40 मिनट्स हम लोग वहाँ पे बिताए, बहुत अच्छा बीता। और हम मुझको ज़रूर बताना कमेंट्स पे आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।